श्री सद्गुरु महाराज की जय। अश्वत्थामा मुक्तो भवः। दिनांक 1/1/1985 ईस्वी की बात है। पूज्य गुरुदेव दिन के भोजनोपरांत अपने निवास के दक्षिणी बरामदे पर विश्राम कर रहे थे, लेकिन बहुत गंभीर मुद्रा में दिखाई पड़ रहे थे। मैं इनके समीप बैठकर तथा इनके चेहरे को देखते हुए एक छोटी तौलिया से मक्खियों को उड़ा रहा था। इनकी आंखें बंद थी। एकाएक मौज में आकर बोलने लगे कि जब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया तो उसको रोकने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों वान आपस में लड़ने लगे। आग की वर्षा होने लगी। सब लोग व्याकुल हो गए। उन्हें ब्रह्मास्त्र लौटाने को कहने के लिए नारद मुनि और व्यास जी दोनों आ गए। व्यास जी के समझाने पर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र लौटा दिया, लेकिन अश्वत्थामा लौटाने की विद्या नहीं जानता था, इसलिए उन्होंने वह ब्रह्मास्त्र पांडवों को छोड़कर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। द्रौपदी के कहने पर भीम ने अश्वत्थामा को पकड़कर उसके सामने लाया। द्रौपदी ने कहा कि गुरुपुत्र है, इनको जान से क्या मारिएगा, इनको छोड़ दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इनके माथे का मणि निकालकर छोड़ दीजिए। भगवान कृष्ण के कहने पर उनके माथे का मणि निकालकर उनको छोड़ दिया गया, जान से नहीं मारा। भगवान कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा तुम बहुत बड़े पापी हो, सदा बालकों की हत्या क्या करते हो। मैं कहता हूँ कि तुम्हारे इस घाव से सदा पीव बहता रहेगा। दुर्गंधि के कारण तुम मनुष्यों के बीच में नहीं रह सकोगे, हमेशा दुखों को भोगते रहोगे। हाँ, यदि कलयुग में कोई संत तुमको मुक्त कर होने के लिए कह देंगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा था, इसलिए मैं कह देता हूँ, अश्वत्थामा मुक्तो भवः, अश्वत्थामा मुक्तो भवः, अश्वत्थामा मुक्तो भवः। यही बात फिर अपराह्न काल 3 बजे के बाद रामचरितमानस पाठ करने के समय माइक पर बोले। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के लिए कहा था कि यदि कलयुग में कोई संत तुमको मुक्त होने के लिए कह देंगे तब तुम मुक्त हो जाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अश्वत्थामा मुक्तो भवः, अश्वत्थामा मुक्तो भवः, अश्वत्थामा मुक्तो भवः। यह 3 बार कहकर पूज्य गुरुदेव अंतर्मुख हो गए। लेखक गुरुसेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।